सुप्रभात प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे संस्कृत ज्ञान कनिका लेसन नंबर 1, वर्णमाला। वर्णमाला देखो, नाम से ही पता चल रहा है, वर्णों की माला, जिसमें वर्णों के बारे में बताया गया हो उसे कहते हैं वर्णमाला। तो देखो, वर्ण क्या होते हैं? अक्षर। संस्कृत में अक्षर वर्ण कहलाते हैं। मूल रूप से वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोग वह। देखो, संस्कृत में वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोग वह। स्वर कितने होते हैं? स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, और अयोग वह में अनुस्वार और विसर्ग आते हैं, यानी कि अंग और आहा, ये अनुस्वार में आते हैं। देखो अब स्वर, सभी को पता है स्वर कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा री। अब संस्कृत में ये दो स्वर जो होते हैं ना, ये एक्स्ट्रा होते हैं, बड़ा री, छोटा री, बड़ा री और लरी, ए, ए, ओ, औ, यानी कि संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। और व्यंजन 33 होते हैं, क से ह तक, अयोगवाह में अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। अब देखो, अब हम स्वरों को लेते हैं। स्वर भी तीन तरह के होते हैं। एक तो हरिस्वर, हरिस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। हरिस्व स्वर, हरिस्वर में छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री और लरी, ये आते हैं हरिस्व स्वर में। छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री और लरी। दीर्घ, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ मीन बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री, ये सब दीर्घ में आते हैं। संयुक्त कौन से, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं, ये हैं जैसे ए, ए प्लस ई, ए, तो ये दो स्वरों से मिलकर बने हैं, ए, ए, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर होते हैं। अब देखो, स्वरों का हमने कर लिया, स्वर 3 टाइप के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं स्वर, हरिस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। और इसी तरह व्यंजन भी 3 टाइप के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःसत व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतःसत व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब देखो, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन में क से म तक आता है, क, ख, ग, घ, अड़, इसको बोलते हैं कवर्ग, क्योंकि ये क वाली लाइन है इसलिए इसको कवर्ग बोलते हैं। अब आगे देखो, च, छ, ज, झ, अयाँ, यानी कि ये च वाली लाइन है तो इसको चवर्ग बोलते हैं। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ण, ये टवर्ग है, ट वाली लाइन है, ये टवर्ग है। फिर त, थ, द, ध, न, तवर्ग। प, फ, ब, भ, म, पवर्ग। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा ब्रैकेट में? क्योंकि इसको बोलते हैं पंचमा अक्षर। इनको हम डॉट के रूप में भी यूज़ करते हैं, जैसे गंगा, जैसे कि देखो आप लिखते हो संबंध, इसमें म की, आधे म की डॉट भी लग सकती है, संबंध, तो ये पंचमा अक्षर होते हैं ये पीछे वाले। हर वर्ग के अंतिम वर्ण, हर वर्ग का अंतिम वर्ण पंचमा अक्षर कहलाता है। ओके, हर वर्ग यानी कि ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, हर वर्ग का अंतिम वर्ण पंचमा अक्षर कहलाता है। अब देखो, ये था स्पर्श व्यंजन। अब अंतःसत व्यंजन, अंतःसत में य, र, ल, व, अंतःसत, य, र, ल, व, ऊष्म, ऊष्म में देखो श आया है ना, च वाली लाइन लेंगे, श, श, स, ह। अब देखो, ये थे वर्ण। वन 3 प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं वर्ण, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर भी तीन प्रकार के होते हैं, हरिस्व स्वर, जिसमें सभी छोटे आते हैं, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, छोटा री और लरी, और दीर्घ स्वर, इसमें सारे बड़े आएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री। और संयुक्त स्वर, इसमें वो स्वर आएंगे जो दो स्वरों से मिलकर बने हैं, ए, ए, ओ, औ। व्यंजन, व्यंजन भी तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःसत व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कवर्ग से पवर्ग तक, यानी कि क से म तक, और इनका जो अंतिम वर्ण है वो पंचमा अक्षर कहलाता है। अंतःसत में क्या आता है? य, र, ल, व, ऊष्म में श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखो, ये कश,
ये जो कश है आधा का प्लस श, श मैंने पूरा लिया, वैसे तो ये श, श किससे मिलकर बनता है, आधा श प्लस अ, क्योंकि इसमें अ की आवाज़ आ रही है, ये अ जो होता है वो स्वर होता है, इसलिए मैंने यहाँ व्यंजनों को शो करना था तो मैंने स्वर नहीं लगाए साथ में। ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, त्र त र, आधा त प्लस र, र पूरा लगा दिया मैंने, ज्ञ ज प्लस संज्ञा, श्र श प्लस श प्लस र, द्य द प्लस आधा द प्लस य, प्र आधा प प्लस र। अब देखो वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब जैसे कलम है, सबसे पहले आप क को लो, क को अलग करो, क प्लस अ, आधा क प्लस अ, क के नीचे हम हलंत लगाएंगे, ये हो जाता आधा क, क किससे मिलकर बना है, आधा क प्लस अ, क प्लस अ क। अब ल को तोड़ो, ल को तोड़ोगे ल, आधा ल प्लस अ, फिर म को तोड़ो, आधा म प्लस अ। अब गज, ग को तोड़ो, ग प्लस अ, ग के नीचे हलंत लगाओगे जरूर, स्वरों के नीचे हलंत नहीं लगाओगे, व्यंजनों के नीचे लगाओगे। अब ज को तोड़ो, ज प्लस अ। अब देखो लता, पहले आप ल को तोड़ो, ल प्लस अ, आधा ल प्लस अ, फिर ता। अब त के साथ ना मात्रा है, आ की मात्रा, तो आधा त प्लस आ, जिसकी मात्रा हो वो वाला स्वर लिखना है आपने उसके साथ। जैसे अब देखो कवि, पहले क को तोड़ो, क प्लस अ, फिर वी को तोड़ो, वी छोटी है ना, व प्लस वी छोटी ई, कवि। अब उसके बाद देखो नदी, न पहले न को तोड़ो, न प्लस अ। अब द, दी, द को तोड़ो, द प्लस कौन सी ई है, बड़ी ई, द प्लस बड़ी ई। उसके बाद भानु, भा, भ प्लस आ, भ के नीचे हलंत लगाएंगे हम, भ प्लस आ। अब नु, न प्लस छोटा ऊ, नु भानु। उसके बाद वधु, व प्लस पहले व को तोड़ो, व प्लस अ। अब धू, बड़ा ऊ है, ध प्लस बड़ा ऊ, वधु। अब देखो पित्री, पित्री में प पे छोटी की मात्रा है, पित्री, प प्लस छोटी ई। अब त्रि, त के नीचे देखो ऋषि की मात्रा है ना, ये त प्लस ऋषि, यानी कि पित्री। उसके बाद राजन, राजन में आप देखो न के नीचे हलंत है, यानी कि न आधा है लास्ट में, तो उसको हम पूरा नहीं बनाएंगे, पहले रा, रा को तोड़ो, र प्लस आ। अब ज, ज प्लस अ। अब जो न है वो क्या है, आधा है, यानी कि न हलंत, इसको हम प्लस अ नहीं करेंगे, नहीं तो वो पूरा न बन जाएगा। ओके,